बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबक नंबर 15, दर्स नंबर 15। यहाँ एक फ़ोटो दी गई है, उसमें आप देख सकते हैं कि दो दोस्त आपस में मिल रहे हैं, तो उनकी बातचीत को जो है यहाँ पे बताया गया है। तो कह रहे हैं, अस्सलामु अलैका या मजीद, तुम पर सलाम। अस्सलामु यानी सलाम, अलैका यानी तुझ पर, या मजीद यानी ए मजीद, तुझ पर सलामती हो ए मजीद। वो अलैका सलाम या हमीद, वो मतलब और अलैका के मायने होता है तुझ पर, अस्सलाम यानी सलामती हो, ए हमीद यानी मजीद बोल रहा है। फिर कह रहे हैं मीन ऐना अंता, सवाल जुमला है, और ऐना से पहले अगर मीन आए तो उसका तर्जमा होता है कहाँ से हो आप, लेकिन यहाँ पे जो है इसका तर्जमा होगा आप कहाँ से आ रहे हो। तो कह रहे हैं अना मिनल मदरसती, मैं मदरसे से आ रहा हूँ। इला ऐना, ऐना के साथ में जब इला आएगा तो उसका तर्जुमा करेंगे कहाँ तक, यहाँ पे तर्जुमा करेंगे कहाँ तक जा रहे हो। इल बैत, घर की तरफ जा रहा हूँ, घर तक जा रहा हूँ। मा इंदका, इंदा का मायने होता है पास, मा का मायने होता है क्या, काफ का मतलब होता है तेरा, तो पूरा तर्जुमा क्या होगा, क्या तुम्हारे पास है, मतलब तुम्हारे पास क्या है। तो कह रहे हैं इंदी किताबुन, या का मतलब क्या होता है मेरा, तो मेरे पास किताब है। फिर कह रहे हैं अजालिकल किताबुल का, और का मतलब हमजा का मतलब होता है क्या, जालिकल किताब यानी वो किताब, लका यानी आपकी, क्या वो किताब आपकी है। तो जवाब दे रहे हैं नाम जालिकल किताब, जी हाँ वो किताब मेरी है। अब यहाँ पे सफ़ा आगे पीछे हुआ है, इसलिए यहाँ पे आप से देख सकते हैं कि 10 नंबर 15 के ऊपर 37 लिखा है, 37, और यहाँ पे डायरेक्ट 39 आया, लेकिन 38 हमें चाहिए तो ये वाला है। फिर कह रहे हैं मत्ता इम्तिहान का, मत्ता इम्तिहान का, मत्ता का मायने होता है कब, इंग्लिश में कहे तो वैन, तो मत्ता यानी कब, इम्तिहान यानी इम्तिहान, का यानी तुम्हारा, तो तर्जुमा क्या होगा, आपका इम्तिहान कब है। अ हुआ करीब, क्या वो करीब है। ला इम्तिहानी बईद जिदन, ला का मतलब नहीं, इम्तिहानी का मतलब मेरा इम्तिहान बईद यानी दूर, जिदन यानी बहुत, तो कह रहे नहीं मेरा इम्तिहान बहुत दूर है। वो वाली दुका हाहुना फी हैदराबाद, कह रहे हैं क्या आपके वालिद यहाँ हैं हैदराबाद में, तो कह रहे हैं ला हुआ फी बम्बई वहुना लहु शुगलुन, नहीं हुआ यानी वो फी बम्बई यानी बम्बई में है, नहीं वो बम्बई में है, वहुना का लहु शुगलुन वहाँ उनका एक काम है, हुना का यानी वहाँ, हा हुना यानी यहाँ, तो वहाँ उनका एक काम है या काम है। फिर सवाल दे रहे हैं इनका, हम अरबी में जवाब देंगे। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, आप अरबी से उर्दू में आसानी से तर्जुमा कर सकते हैं, लेकिन आपको अरबी आने, अगर आपको किसी को पहचानना कि सामने वाले को अरबी आती है या नहीं, तो ये तर्जुमा करने से जो है हमें पता चलता है कि सामने वाले को कितनी अरबी आती है। तो कह रहे हैं आईना सिद्दीकू का, क्या कह रहे हैं आईना सिद्दीकू का, आपका दोस्त कहाँ है, तो हम कहेंगे मेरे साथ है, तो इसको इस तरह कहेंगे सिद्दीकी सदीकी माई मेरे साथ है। कैफा हुआ, वो कैसा है, तो कहेंगे हुआ तैयबुन, वो अच्छा है। हाँ बई तू का बईदुन, क्या आपका घर दूर है, तो अगर हमें हाँ में जवाब देंगे देना है तो हम कहेंगे नाम बई ती, मेरा घर बईदुन बईद है। अगर कहना है कि हमारा घर करीब है तो कहेंगे ला बईती करीबुन। फिर कह रहे माँ शुगलुगा, आपका क्या काम है, आपका क्या काम है, तो हम कहेंगे शुगली किरातुन, मेरा काम पढ़ना है। फिर कह रहे मक्का इम्तिहानों का, आपका इम्तिहान कब है, तो हम कहेंगे
इम्तिहानी मेरा इम्तिहान बईदुन दूर है। फिर कह रहे हैं रब्बु का जालिमुन, क्या आपका रब जालिम है? तो हम कहेंगे रब ला, हम कहेंगे रब्बी लई सभी जालिमिन। फिर कह रहे हैं आदीनों का इस्लामुन, क्या आपका दिन इस्लाम है? तो हम हाँ में जवाब देंगे, कहेंगे ना हम जी हाँ दीनी इस्लामुन, मेरा दिन इस्लाम है। हा हू ना आशीसुन, क्या यहाँ कुंडा है? तो जवाब देंगे नाम हा होना आशीसुन, जी हाँ यहाँ कुंडा है। लीमन हुआ, वो किसका है? तो कहेंगे जैसे हम पीछे पड़ गए थे वो फरीद का था, तो हम यहाँ पे फरीद कह सकते हैं, खालिद कह सकते हैं, कुछ भी नाम ले सकते हैं। तो कहेंगे हुआ ली खालिदिन, और या फिर हुआ ली फरीदिन। लीमन अर्ज, जमीन किसकी है? तो हम कहेंगे अल अर्ज लिल्लाही, जमीन अल्लाह की है। फिर कह रहे हैं लीमन मुल्क, मुल्क किसका है, बादशाहत किसकी है? तो हम कहेंगे अल मुल्क लिल्लाही, मुल्क अल्लाह के लिए है। कह रहे हैं उर्दू में तर्जुमा करो, मेरा रब तेरा रब भी है। मेरा रब की अरबी होगी रब्बी, तेरा रब की अरबी होगी रब्बू का, भी का होगा एजन, रब्बी रब्बू का एजन। फिर कह रहे हैं तेरे पास क्या है? तो सवाल है जुमला है, तो पहले हर्फ इस्तफाम लाएंगे माँ, तेरे पास के लाएंगे इंदा का, तो पूरा होगा माँ इंदा का, तेरे पास क्या है? फिर कह रहे हैं मेरे पास उसका तोता है, तो मेरे पास के लिए लाएंगे इंदी, उसका तोता के लिए लाएंगे बबगाऊ, तो पूरा होगा इंदी बबगाऊ, क्या होगा इंदी बबगाऊ। फिर कह रहे हैं फूल मेरे बाग में ज्यादा हैं, तो फूल बहुत सारे फूल को अजहार कहते हैं, तो कहेंगे अजहार हूँ मेरे बाग में के लिए लाएंगे, मे के लिए लाएंगे फी, और मेरे बाग में, मेरे बाग में लाएंगे हदीकति, और ज्यादा के लिए लाएंगे कसीरतुन, तो पूरा होगा अल अजहारू फी हदीकति कसीरतुन। फिर कहेंगे पढ़ना मेरा काम है, खेल उसका काम है, तो कहेंगे अल किरातु शुगली अल लाइबु शुगलुहु, कि पढ़ना मेरा काम है, खेल उसका काम है। वो कह रहे हैं वो किताब मेरी है, तो वो किताब की अरबी होगी जालिकल किताबु ली। फिर कह रहे हैं ये कलम उसका है, तो अरबी करेंगे इसकी ये कलम की हाजल कलम, उसका क्या होगा लहू, तो होगा हाजल कलम लहू। फिर कह रहे हैं ये घर किसका है, अब ये सवाल जुमला है, इसके लिए किसका का पहले लाएंगे, तो अरबी में किसका कहने के लिए लिमन होता है, तो कहेंगे लिमन, ये बैत को कहेंगे हाजल बैतु, तो पूरा होगा लिमन हाजल बैतु। फिर कह रहे हैं ये घर उसका है, ये घर उसका है, तो हम इसकी इसका ये करेंगे तर्जुमा हाजल बैतु लहू। फिर कह रहे हैं यहाँ कौन है, तो कौन के लिए अरबी में इस्तेमाल होता है मन, यहाँ के लिए इस्तेमाल होता है हा होना, तो पूरा होगा मन हा होना। फिर कह रहे हैं यहाँ मेरे वालिद हैं, यहाँ के लिए अरबी में क्या इस्तेमाल होता है हा होना, मेरे वालिद के लिए वालिदी, तो पूरा होगा हा होना वालिदी। और कह रहे हैं और वहाँ मेरा दोस्त है, और के लिए अरबी में इस्तेमाल होता है वह, वहाँ के लिए इस्तेमाल होता है हुना का, तो कहेंगे वह हुना का सिद्दीक सदीक, मेरा दोस्त कहेंगे सदीकी सिद्दीकी। फिर कह रहे हैं मेरा दिन बातिल नहीं है, तो इसके अरबी में होंगे मेरा दिन की दीनी बातिल नहीं है, तो लैसा के जरिए हम बात करेंगे लैसा भी बातिलिन। फिर कह रहे हैं कुरान अरबी में है, अल कुरान फिल अरबी, वो अरबी आसान है, तो अरबी आसान में कैसा कहेंगे वह वल अरबी सहलुन, मुश्किल नहीं है, तो कहेंगे लैसा भी मुश्किलिन, या कहेंगे ला साबुन। फिर कह रहे हैं मुस्लिम के लिए उसका पढ़ना ज़रूरी है, फिर कहेंगे लिल मुस्लिमी किरातुहु ज़रूरियुन। तो ये हो गया आज हमारा आज का सबक।
15वां इंशाल्लाह 16वां हम जल्द अपलोड कर देंगे।